हेलो, उष्मा गति की अध्याय एक के अंतर्गत हम पहले पढ़ चुके हैं आंतरिक ऊर्जा। अब हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं उसका, उष्मा। उष्मा वास्तव में ऊर्जा का वह रूप है जो रूप तापांतर के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊर्जा प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है। अर्थात उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है, जो तापांतर के कारण प्रदर्शित की जाती है या उत्पन्न होती है। जैसे निकाय जिसमें T2 उच्च ताप है तथा दूसरा निकाय जिसका T1 निम्न ताप है, यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उच्च ताप से क्यू ऊष्मा निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है, अर्थात क्यू ऊष्मा को प्रदर्शित करेगा। ये ऊर्जा का वह रूप है जो कि अव्यवस्थित प्रकृति का होता है और ऊष्मा का प्रवाह निकाय के सभी दिशाओं में अबाधित रूप से निरंतर होता रहता है। अर्थात ये ऊर्जा का वह रूप है जो अव्यवस्थित प्रकृति की है और सभी दिशाओं में अबाधित रूप से प्रवाहित होती है। ऊष्मा आंशिक रूप से कार्य में परिवर्तित की जा सकती है, यह पथफलन है, अतः प्रक्रम के पथ पर निर्भर करती है, अवस्था पर निर्भर नहीं करती। इसका यथार्थ अवकलज नहीं होता, इसे डेल क्यू के रूप में दर्शाते हैं। इससे पहले हमने जो आंतरिक ऊर्जा लिया था उसका यथार्थ अवकलज संभव है तथा आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है, पथ फलन नहीं। लेकिन ऊष्मा पथ फलन है जिसका यथार्थ अवकलज प्राप्त नहीं हो सकता है। मात्रक आंतरिक ऊर्जा की तरह ही है, CGS पद्धति में अर्घ, MKS पद्धति में जूल या कैलोरी और SI पद्धति के अंदर न्यूटन मीटर। आंतरिक ऊर्जा या ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा के जिस तरीके से चिन्ह पर चिन्ह प्रदर्शित किए थे, उसी तरह ऊष्मा के चिन्ह भी हम प्रदर्शित करते हैं। निकाय को दी गई ऊष्मा हमेशा धनात्मक और निकाय से निष्कासित ऊष्मा हमेशा ऋणात्मक होती है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया, निकाय के अंतर की ओर तीर है तो क्यू का चिन्ह प्लस है, निकाय के बाहर की ओर तीर है तो इसका चिन्ह माइनस में होता है। अंदर की ओर तीर अर्थात प्लस क्यू का मतलब अवशोषण या उष्मा शोषी या ताप में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि बाहर की ओर तीर प्रदर्शित होने पर यदि निकाय उष्मा निष्कासित करता है तो इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन या उष्मा शेपी प्रक्रम कहते हैं और इस प्रक्रम में ताप में हमेशा कमी होती है। तीसरा है आंतरिक कार्य। कार्य ऊर्जा का व्यवस्थित रूप है जो क्षमता व प्रबलता के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कोई भी कार्य दो घटकों के गुणनफल के बराबर होती है। यह ऊर्जा का व्यवस्थित रूप है जो कि क्षमता और प्रबलता के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य को हम निम्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात कार्य क्षमता गुणा प्रबलता। यांत्रिक कार्य के रूप में अगर इसे प्रदर्शित किया जाए तो इसे बल इंटू विस्थापन के रूप में, और दाब आयतन कार्य के रूप में यदि दर्शाया जाए तो दाब इंटू आयतन में परिवर्तन के रूप में कार्य दर्शाया जाता है। अतः यहाँ ऊष्मा गतिकी के अंदर हम दाब आयतन कार्य को ही महत्व देते हैं, क्योंकि निकाय में गैस भरी है जो कि प्रसारित और संपीड़ित हो सकती है। अतः किया गया कार्य संपीड़न और प्रसार कार्य के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे कि हम दाब आयतन कार्य कहते हैं, जिसे हम W बराबर P इंटू DV के रूप में दर्शाते हैं, जहां DV आयतन में परिवर्तन है। प्रसार पर DV का मान धनात्मक होगा, अर्थात V1 से V2 की ओर प्रसार होने पर V2 माइनस V1 धनात्मक रहेगा। संकुचन कार्य में DV हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि V1 से V2 हमेशा कम रहेगा, इसलिए V2 माइनस V1 करेंगे तो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक आएगा, अर्थात कार्य P × DV के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य के चिन्ह उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले दिए गए तरीके के अनुसार, निकाय में कोई चीज़ जुड़ती है तो धनात्मक, निकाय से कोई भी चीज़ निकलती है तो ऋणात्मक। निकाय
पर किया गया कार्य निकाय के ऊपर यदि कार्य करते हैं, यदि गैस को बाय दाब बढ़ा करके संपीड़ित किया जाता है तो निकाय पर किया गया कार्य है और यह धनात्मक होता है, क्योंकि बाहरी दाब की उपस्थिति के अंदर हम गैस को संपीड़ित करते हैं, इसलिए इसे संपीड़न कार्य या संकुचन कार्य कहा जाता है या कॉन्ट्रैक्शन वर्क कहते हैं। निकाय द्वारा किया गया कार्य अर्थात निकाय से बाहर की ओर तीर प्रदर्शित करें, अर्थात निकाय अब स्वयं कोई कार्य करता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा, और चूंकि निकाय में गैस भरी हो तो निकाय द्वारा किया गया कार्य हम ऋणात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि गैस कार्य करेगी तो स्वयं प्रसारित होकर के पिस्टन को बाहर की ओर अर्थात बाह्य दाब के विपरीत धक्का देकर किया गया कार्य जिसे हम प्रसार कार्य कहते हैं। प्रसार कार्य को हम -PdV के रूप में दर्शाते हैं या ऋणात्मक चिन्ह प्रसार को दर्शाता है, और संकुचन कार्य को हम W=PdV के रूप में दर्शाते हैं जो कि धनात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, साइड में एक नोट लिखा हुआ है वो भी आप देखें। स्थिर दाब पर आयतन में परिवर्तन के रूप में हम किए गए कार्य को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात बाह्य दाब लगभग स्थिर मान करके हम कार्य को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए P·dV के रूप में दर्शाया जाता है। प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर यदि आयतन में परिवर्तन V1 से V2 है तो प्रथम V1 का V2 यदि V1 से कम है तो आयतन में परिवर्तन V2-V1 करने पर इसका चिन्ह आ जाएगा ऋणात्मक, अर्थात dV का मान रखने पर W का चिन्ह ऋणात्मक प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर आयतन में परिवर्तन अर्थात V2 से V1 ज़्यादा है, अर्थात प्रारंभिक आयतन कम और ज़्यादा और बाद का आयतन कम है, अर्थात ये संपीड़न कार्य है, इसे हम ऋणात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इसी तरीके से यदि V2 का मान V1 से ज़्यादा है अर्थात प्रसार हो रहा है तो प्रसार कार्य के रूप में हम इसको dV पॉजिटिव रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर भी किए गए कार्य का मात्रक वही है अर्थात आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य तीनों के मात्रक CGS पद्धति में अर्घ, MKS पद्धति में जूल और SI पद्धति के अंदर न्यूटन मीटर है। यहाँ पर न्यूटन मीटर को हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर, और 1 जूल को हम 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब हम ले रहे हैं आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा व कार्य में संबंध, जिसको हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे ऊर्जा संरक्षण नियम भी कहते हैं, अर्थात इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अतः यह केवल रूपांतरित हो सकती है, अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है लेकिन न तो नष्ट होती है न ही ऊर्जा को कभी उत्पन्न किया जा सकता है। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को प्रदर्शित करेगा। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है क्योंकि न तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है न ही ऊर्जा नष्ट हो रही, अर्थात पूरे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर बनी रहती है। इसी तरह विलगित निकाय की कुल ऊर्जा, कुल आंतरिक ऊर्जा निश्चित रहती है, क्योंकि विलगित निकाय परिपार्श्व के साथ किसी प्रकार की ऊर्जा का व पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करता है, इसलिए विलगित निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा हमेशा निश्चित बनी रहती है। इसके प्रथम नियम के कथन, पहला है हेल्मूज कथन। ऐसी शाश्वत मशीन बनाया जाना संभव नहीं है जो ऊर्जा लिए बिना कार्य कर सके, अर्थात ऐसी शाश्वत मशीन संभव नहीं है जो बिना ऊर्जा लिए कार्य करती रहे। गणितीय रूप से हम ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का निरूपण निम्न प्रकार करते हैं। माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि निम्न दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, या तो हम निकाय को ऊष्मा दें तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी,
या निकाय पर कोई कार्य करें तो निकाय पर किया गया कार्य भी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा, अर्थात W पॉजिटिव और Q भी पॉजिटिव होगा। इसी को हम प्रदर्शित करते हैं, यदि अंतिम ऊर्जा या अंतिम आंतरिक ऊर्जा E2 है तो हम ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियमानुसार प्रारंभिक निकाय जिसकी आंतरिक ऊर्जा E1 है, जिसको प्लस क्यू ऊर्जा दी गई, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर हो गई प्लस E1 प्लस क्यू। इसी निकाय पर W कार्य किया जाता है, निकाय पर किया गया कार्य भी धनात्मक जो आंतरिक ऊर्जा को में वृद्धि करता है, अर्थात उसके साथ जुड़ेगा। तो निकाय की कुल ऊर्जा हो जाएगी E1 प्लस क्यू प्लस W। अब इस निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा चूँकि E2 के बराबर है, जिसको हम अंतिम अवस्था की ऊर्जा कहें, तो E1 प्लस क्यू प्लस W E2 के बराबर है, अतः E2 माइनस E1 किया जाए तो ये Q प्लस W के बराबर, अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है जो DE के बराबर है, जो निकाय को दी गई ऊष्मा और निकाय पर किए गए कार्य के योग के बराबर है। परिवर्तन के रूप में अगर इसको हम प्रदर्शित करें तो DE बराबर डेल Q प्लस डेल W। यहाँ खास बात ये है कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन अवस्था फलन है, जबकि ऊष्मा और कार्य में परिवर्तन पथ फलन है। समीकरण 1 व समीकरण 2 ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के गणितीय निरूपण है, जिसमें DE बराबर Q प्लस W या DE बराबर डेल Q प्लस डेल W को ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम का गणितीय निरूपण कहते हैं। दो आंशिक अवकलन Q व W मिलकर पूर्ण अवकलज E के तुल्य होता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। इसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि यदि आंतरिक ऊर्जा में कमी को प्रदर्शित किया जाए तो इसका डेल्टा E का चिन्ह ऋणात्मक होगा और Q और W ये दोनों ही ऋणात्मक होंगे, अर्थात निकाय द्वारा किया गया कार्य और निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कुल मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो इसको हम दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, निकाय पर किया गया कार्य और निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाती है, तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य और निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के तुल्य होती है। इसी को हम ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, अर्थात निकाय को दी गई कुल ऊर्जा और किया गया कुल कार्य हमेशा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में प्रयुक्त हो जाता है, अर्थात कार्य और ऊष्मा ये दोनों ही आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में प्रयुक्त होते हैं, अन्य किसी प्रकार में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऊर्जा संरक्षित बनी रहती है। प्रक्रमों पर ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का प्रभाव लेकर चलते हैं। पहला प्रभाव हम यूज कर रहे हैं, पहला प्रक्रम ले रहे हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है, और क्यू चूंकि शून्य है तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कार्य के तुल्य होगा, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि निकाय पर किए गए कार्य के बराबर यदि चिन्ह धनात्मक है और यदि दोनों के चिन्ह ऋणात्मक है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी को प्रदर्शित करता है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, जो कि ऊपर समीकरण या संबंध ऊष्मा गति के प्रथम नियम से लिख सकते हैं। दूसरा है सम आयतनिक प्रक्रम, जिसमें निकाय की आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है तो निकाय का प्रसार संकुचन कार्य W बराबर माइनस PdV प्रसार कार्य के रूप में लिखा गया है। अगर आयतन में परिवर्तन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, अर्थात ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से W की जगह शून्य रख दिया जाए
तो डी ई इक्वल टू क्यू या माइनस डी ई इक्वल टू माइनस क्यू। इसका मतलब ये है कि निकाय को दी गई ऊष्मा या ऊर्जा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है, या निकाय से ली गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर। अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो निकाय से ली गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर, और यदि दोनों के चिन्ह धनात्मक है तो निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। ये सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है जिसमें आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा के बराबर होती है। समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम में ताप परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात निकाय का प्रारंभिक और अंतिम ताप अपरिवर्तित रहता है। आदर्श गैसों के समतापीय प्रक्रम को हम आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात चूंकि पहले बताया जा चुका है आदर्श गैस की प्रकृति या आदर्श गैस में अणुओं की गतिज ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, अतः ताप अपरिवर्तित है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा शून्य होगा। अतः यदि डी टी बराबर जीरो है तो डी ई भी जीरो होगा। और हमेशा ध्यान रखना ऊष्मा गतिकी के सभी नियम में पिस्टन के अंदर हमेशा आदर्श गैस ही भरी गई है, ये मान करके ही इन समीकरणों को हल किया जाता है। यदि डी टी बराबर जीरो है तो डी ई भी हमेशा शून्य होगा। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से एफ एल ओ टी का मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से। सूत्र का आप दोबारा लिखें, डी की जगह शून्य करें तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू या माइनस क्यू बराबर हो जाएगा डब्ल्यू। अर्थात यदि निकाय को ऊष्मा दी जाए तो पूर्ण ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तित हो जाती है तथा निकाय पर किए गए कार्य से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसको हम यहाँ समझ सकते हैं क्यू प्लस है, अर्थात निकाय को यदि ऊष्मा दी जाए तो चूंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दी गई सारी ऊर्जा निकाय द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होगी। इसी तरीके से माइनस क्यू का मतलब है कि निकाय यदि क्यू ऊर्जा उत्सर्जित कर ऊष्मा उत्सर्जित करता है तो निकाय पर क्यू डब्ल्यू धनात्मक कार्य किया जाएगा। अर्थात निकाय पर यदि कार्य किया जाता है या गैस को संपीड़ित की जाती है तो यदि आंतरिक ऊर्जा नहीं बदले तो निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करता है जिसको माइनस क्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह चिन्हों को यहाँ पर एक बार पुनः दर्शाया गया है जिसमें आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन निकाय को बंद करके प्रदर्शित की गई है, जिसमें जो चीज तीर अंदर की ओर जा रहे हैं वो निकाय में जुड़ रहे हैं और जो तीर बाहर की ओर जा रहे हैं वो निकाय से निष्कासन को दर्शा रहे हैं। प्लस डब्ल्यू का मतलब आंतरिक निकाय पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करेगा, निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करेगी, जबकि निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में कमी और निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। चौथा प्रक्रम है समदाबीय प्रक्रम या आइसोबेरिक प्रोसेस, जिसमें दाब परिवर्तन शून्य होता है। चूँकि सामान्य परिस्थितियों के अंदर हम बाह्य दाब को स्थिर मानकर कार्य प्रदर्शित करते हैं, अतः किया गया कार्य पी डी वी अपरिवर्तित रहता है। अतः आंतरिक ऊर्जा या अतः ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से आंतरिक ऊर्जा बराबर डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर रहती है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम स्थिर दाब पर दर्शाया जाता है, जहां कार्य स्थिर दाब पर आयतन में परिवर्तन के आधार पर ज्ञात करते हैं, जो कि पहले आ चुका है कि W में P को स्थिर रखते हुए आयतन में परिवर्तन दर्शाते हैं। अतः D इक्वल टू Q प्लस W, अर्थात स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा व निकाय पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाता है। ये दोनों आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाते हैं। अगर ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाए तो स्थिर दाब पर निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा व निकाय द्वारा किए गए कार्य माइनस डब्लू आंतरिक ऊर्जा में कमी करते हैं, अर्थात डी ई का चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं और कल ऊष्मा गतिकी के
प्रथम नियम की कमियां, और उसके बाद आगे का टॉपिक प्रारंभ किया जाएगा।